क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं अपाची काफ्का। आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉपिक ग्रुपिंग के बारे में। तो इसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्विक स्टार्ट के ऊपर। कुछ कमांड्स मुझे कॉपी पेस्ट करनी होती है, तो इसको मैं जरा सा सामने रख देता हूँ, ठीक है ना। यहां पर आ गए। अब मैं आ जाता हूँ अपने डॉकर के ऊपर। डॉकर के ऊपर मैंने अपने कंटेनर को देखा, जिसके अंदर हमारा काफ्का इंस्टॉल है या काफ्का का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। वो स्टॉप है, मैं चाहूँ तो यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, लेकिन इस बार हम जो है अपने टर्मिनल से तमाम चीजें करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर। सबसे पहले मैं कहता हूँ डॉकर -a, मुझे जितने भी कंटेनर है वो सब लेकर आओ। मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली। मैं कहता हूँ डॉकर -a, ठीक है। जितने भी कंटेनर है मेरे सामने लेकर आ जाओ। वो लेकर आ गया। मैं कहता हूं भाई डॉकर स्टार्ट करो FC01 कंटेनर को, ठीक है। उसने स्टार्ट कर दिया। अब मैं कहता हूं डॉकर PS, मेरा कंटेनर अप हो चुका है, ठीक है ना। तो सब चीजों को क्लियर करते हैं पहले, और अब आ जाते हैं अपने कंटेनर के अंदर। तो मैं कहूंगा डॉकर PS, मुझे क्योंकि कंटेनर की आईडी चाहिए। मैं कहूंगा डॉकर एग्जीक्यूट करो इंटरेक्टिव मोड के ऊपर किसको, FC01, ठीक है। ये रही मेरी आईडी, FC01 को इंटरेक्टिव मोड के ऊपर ओपन कर दो और bin slash bash। मैं आ गया अपने कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर आने के बाद इन सब चीजों को क्लियर कर देता हूँ, लेकिन कुछ कंटेनर मुझे ओपन करने हैं, ठीक है। कर देते हैं, क्लियर कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले अपना एक टॉपिक क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या कहूंगा, अब चीजें हम जल्दी से करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये तमाम चीजें वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर समझ चुके हैं। तो हम जल्दी से सबसे पहले अपने मुद्दे पे आएंगे, अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे कि टॉपिक ग्रुपिंग क्या चीज होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टॉपिक क्रिएट करता हूँ। मैं कहूंगा स्लैश ओपीटी, इसके अंदर काफका, इसके अंदर बिन, बिन के अंदर मैं कहूंगा काफका, आपका के अंदर टॉपिक, और टॉपिक्स के अंदर हम कहेंगे हाइफन हाइफन बूट स्ट्रैप हाइफन सर्वर और स्पेस, इसका लोकल होस्ट है 9092, ठीक है। ये तो हमारी कमांड हो गई 9092, ये तो हमारी कमांड हो गई जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्रिएट करना है मैं ऑर्डर के नाम से एक टॉपिक बना रहा हूं, ठीक है। सॉरी, क्रिएट करो टॉपिक, क्रिएट करो ऑर्डर के नाम से, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। इंटर कर दिया, उसने मेरा टॉपिक क्रिएट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिस्ट करके देख भी सकते हैं। अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक प्रोड्यूसर बनाता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, दोबारा पहले स्लैश ओपीडी, ओपीडी के बाद काफका, काफका के बाद बिन, बिन के बाद काफ्का के अंदर है कंसोल, कंसोल के अंदर है प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर के अंदर आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से हम आएंगे हाइफन हाइफन बूट स्ट्रैप और हाइफन सर्वर, सर्वर के अंदर है लोकल होस्ट के ऊपर ये होगा 9092, ठीक है। यहां तक बात आ गई। अब इसको मुझे टॉपिक देना है, तो मैं कहूंगा भाई इसको टॉपिक से कनेक्ट करो। कौन से टॉपिक का ये प्रोड्यूसर है, ये है ऑर्डर, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। टॉपिक और ये है ऑर्डर, ये ऑर्डर टॉपिक का हिस्सा है, ठीक है। इसको मैं एंटर करता हूं, हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर ऑन हो चुका है। तो मैं कहूंगा हेलो, फिलहाल मैंने इसे लिख लिया हेलो, आपका ऑर्डर रास्ते में है। ऐसे ही जानने के लिए बस मैंने दो इसके ऊपर जुमले लिख दिया। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब जल्दी से हम एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, उसके अंदर कंज्यूमर बनाते हैं। तो इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद मैं कहूंगा डॉकर, सबसे पहले मुझे अपने कंटेनर के अंदर आ जाना है। तो मैं कहूंगा डॉकर एग्जीक्यूट करो इंटरेक्टिव मोड के ऊपर किसको, FC01 हमारे आईडी थी उसकी कंटेनर की, स्लैश इन स्लैश डैश इंटर। मैं अपने कंटेनर के अंदर आ गया। कंटेनर के अंदर आने के बाद यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाकी तमाम चीजें। मैंने ये तमाम कमांड कर दी कॉपी, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा करता हूं, हमारा वक्त बच जाएगा। मैंने यह कमांड कर दी कॉपी, कॉपी करने के बाद प्रोड्यूसर की जगह आ जाएगा कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर आ गया, बाकी तमाम चीजें ऐसे जैसी की तैसी ही रहेगी। इसके साथ एक और चीज आ जाएगी फ्रॉम बिगनिंग, वो मुझे याद नहीं रहता तो वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
रॉन्ग बिगनिंग की स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो हमें एरर आएंगे, और मैं नहीं चाहता भी किसी किस्म का एरर आए। फ्रॉम बिगनिंग को मैंने कर दिया कॉपी, कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे आया और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है भाई, बिगनिंग से कर इसको जो है आप कर दो, आप सारा डेटा लेकर आओ, कौन से टॉपिक से, टॉपिक हमने दिया नहीं तो इसको हम टॉपिक भी दे देते हैं कि भाई आप ऑर्डर नाम के टॉपिक से कर, फ्रॉम बिगनिंग से जो भी कन्वर्सेशन चल रही है, जो भी डेटा है आप लेकर आ जाओ। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाना चाहिए, तो हम देखते हैं डेटा मिल गया कि नहीं। ठीक है, डेटा मिल गया। मैं दोबारा इसको कहता हूं, क्या आपको मैसेज मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैंने एक और मैसेज कर दिया, यहाँ पे चेक करते हैं कि आपको मैसेज मिल रहे हैं या नहीं। बिल्कुल मिल गए, मैं यहाँ पे कह देता हूँ चेक, ऐसे ही बस मैंने लिख दिया कि भाई चेक, बिल्कुल हमें मैसेज मिल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, ये सारे वो काम है जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अब देखें यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और टर्मिनल ओपन करते हैं और इसके अंदर कुछ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले दोबारा कंटेनर के अंदर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे सब चीजें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं कंटेनर के अंदर आने के लिए ये चीज कॉपी की थी, डॉकर, ठीक है, ये चीज कॉपी की थी, इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं भाई फ्लैश ओपीटी के अंदर जाओ, इसके अंदर काफका है, काफका के अंदर बिन है, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर क्या है, एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसके अंदर पहले जाकर देख, सीडी, इसके अंदर जाके हम देखते हैं, इसके अंदर एक स्क्रिप्ट है। कौन सा स्क्रिप्ट है, अगर मैं जरा सा स्क्रॉल अप करूं तो मुझे यहाँ पे नजर आना चाहिए, काफका हाइफन कंज्यूमर हाइफन ग्रुप, ये रहा वो स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हाइफन हाइफन आप हेल्प करके देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी कमांड, जो भी फ्लैग्स होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। तो ये है कंज्यूमर का ग्रुप, हमने कभी ग्रुप बनाया नहीं है। मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ग्रुप में कुछ है, मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ओपीटी स्लैश काफका स्लैश बिन स्लैश काफका स्लैश कंज्यूमर कंज्यूमर और हाइफन ग्रुप। ठीक है, इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आने के बाद मैं कहूंगा हाइफन हाइफन बूट्स स्ट्रैप हाइफन सर्वर और ये चलेगा लोकल होस्ट और 9092। यहां तक तो बात आ गई सही है, 9092, यहां तक तो ये तमाम कमांड है जो कि इसके लिए जरूरी है। अब मुझे इसकी लिस्ट देखनी है, तो उसके लिए फ्लैग है हाइफन हाइफन लिस्ट, एंटर करूंगा। देखो यहां पर मुझे कंज्यूमर की एक लिस्ट नजर आ गई, हमने तो कोई ग्रुप बनाया ही नहीं था, हमने तो कोई ग्रुप बनाया नहीं कंज्यूमर का, फिर हमारे पास लिस्ट क्यों आ गई, फिर हमारे पास लिस्ट क्यों आ गई। अच्छा, एक इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, मैं यहाँ पे एक और बना देता हूं। ठीक है, इसको जरा सा इस तरफ ले आते हैं और यहाँ पे यही काम करते हैं, एक और कंज्यूमर बनाते हैं। ठीक है, एक और कंज्यूमर बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे, इसको सीएलएस कर देते हैं। सीएलएस करने के बाद जल्दी से हम अपने डॉकर के पहले कंटेनर में आ जाते हैं, कहाँ था डॉकर कंटेनर, ये रहा, यहां पर आ गए, इसको कर दिया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, कंटेनर के अंदर आ गए, कंज्यूमर को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये सारा कंज्यूमर, इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको भी यहां पे ले आते हैं, कंज्यूमर को ले आते हैं। कंज्यूमर को ले आने के साथ साथ मैं यहां पे करता हूं हाइफन हाइफन ग्रुप और ग्रुप का नाम दे रहा हूं, ग्रुप का नाम दे देते हैं हेलो हेलो ग्रुप, ये हेलो ग्रुप है। ठीक है ना, कोई भी मतलब एक ग्रुप का नाम दे दिया। तो यहां तो मैं इसको बता रहा हूं कि भाई ये जो कंज्यूमर है ना, ये जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर, बाकी तमाम चीजें ठीक है कि भाई ये टॉपिक जो है ये रिलेट करता है ऑर्डर टॉपिक से कर, लेकिन यहाँ पे ये भी फ्रॉम बिगनिंग से, लेकिन यहाँ पे ग्रुप का नाम मैंने दे दिया हेलो ग्रुप, एंटर करूंगा, मेरा कंज्यूमर बन गया। ये कंज्यूमर बनने के साथ यहाँ पे मुझे मैसेज भी मिल गया, मैं यहाँ पे एक और मैसेज कर दूं, मैसेज रिसीव, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और मैसेज कर दिया। तो हमने जो नया कंज्यूमर बनाया है यहाँ पे, इसको मैसेज मिल रहे हैं, जरा सा देख लें, यहाँ पे तो मैंने भेज दिया, यहाँ पे मैसेज रिसीव का मिल गया, यहाँ भी मैसेज रिसीव का मिल गया, मतलब अब मेरे पास दो कंज्यूमर है। एक के अंदर देखो मैंने
हाइफन हाइफन ग्रुप हेलो ग्रुप का नाम दे दिया और दूसरे के अंदर मैंने ग्रुप का नाम नहीं दिया। ठीक है, अब दोबारा आ जाते हैं हमारे ग्रुप वाले के अंदर, ग्रुप वाले टर्मिनल के अंदर। ठीक है, दोबारा से हम ग्रुप को लिस्ट करेंगे। अब देखो मेरे पास क्या आया, मेरे पास दो कंज्यूमर है और दोनों के लिए एक अलग अलग ग्रुप है। एक के अंदर जिसके अंदर मैंने ग्रुप नहीं दिया, इसने बाय डिफॉल्ट खुद ही एक ग्रुप को क्रिएट किया, और जिसके अंदर मैंने ग्रुप दे दिया था उसके अंदर इसने खुद ही ग्रुप को क्या कर दिया, बना दिया, और जो हमने ग्रुप का नाम दिया था वो ग्रुप इसने यहां पर बनाकर हमारे सामने लिस्ट लेकर आ गया। अब यहां पे मुझे ये बात समझ में आई, ये बात समझने की है कि काफका जो है ना डायरेक्ट कंज्यूमर को मैसेज सेंड नहीं कर रहा, काफका उस कंज्यूमर को मैसेज सेंड करता है, या काफका बाय ग्रुप है ना कंज्यूमर को मैसेज सेंड करता है। नहीं समझे, इसको आसान भाषा में बताता हूं। काफका जो है ग्रुप मैसेज करता है, अब उस ग्रुप के अंदर जो भी कंज्यूमर होगा उसको वो मैसेज मिल जाएगा। मतलब कंज्यूमर के लिए जरूरी है कि वो एसोसिएट हो किसी ग्रुप से, अगर वो नहीं होंगे तो बाय डिफॉल्ट काफका उनका एक ग्रुप क्रिएट करेगा और वहां पे मैसेज सेंड करेगा तो उसको मैसेज मिल जाएंगे। काफका डायरेक्ट कंज्यूमर को मैसेज नहीं भेजता, काफका ग्रुप को मैसेज भेजता है और उस ग्रुप के अंदर जितने भी कंज्यूमर है उनको वो मैसेज रिसीव हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे समझने के लिए थी, या ये बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था। दोबारा एक बात कर देता हूँ कि काफका जो के मैसेज सेंड करता है वो ग्रुप को करता है, कंज्यूमर ग्रुप को करता है, और वो ग्रुप के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं उनको वो मैसेज मिल जाता है। अब कंज्यूमर बनाते वक्त अगर हम उसको ग्रुप डिफाइन कर देते हैं तब वो उस नाम से ग्रुप बना देता है। ठीक है, और अगर हम ग्रुप डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट काफका उसका एक ग्रुप बना लेता है, जैसे कि यहां पे उसने बनाया। ठीक है, इसका एक और तजर्बा करते हैं। हम एक और टर्मिनल बनाते हैं और अपने टर्मिनल को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, और इसके साथ में क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे दोबारा से यही चीज करते हैं, मैंने इसको कर दिया कॉपी ताकि हम जल्दी से अपने टर्मिनल के ऊपर आ जाएं। इसको यहाँ पे क्लियर भी कर देते हैं, CLS। अपने टर्मिनल के अंदर आ गए, टर्मिनल के अंदर आने के बाद अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, एक और कंज्यूमर बनाता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से मैं कोई ग्रुप नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप नहीं दिया। अब दोबारा मैं एक और कंज्यूमर बना रहा हूँ जो कि हमारे ऑर्डर से ही ताल्लुक रखता है। ठीक है, ये रहा हमारा ऑर्डर, मैंने एंटर कर दिया, हमारा कंज्यूमर बन चुका है। यहाँ पे हमें मैसेज रिसीव हो जाने चाहिए, मैसेज रिसीव हो चुके हैं। दोबारा एक मैसेज करते हैं, मैं कहता हूँ हेलो हेलो। ठीक है, कुछ भी मैसेज लिख दो, बस हमें चेक करना है। मैसेज हेलो हेलो यहाँ भी मिल गया, ये मैसेज हेलो हेलो यहाँ भी मिल गया, और ये जो हमने अभी हमने नया कंज्यूमर बनाया उसको भी मिल गया। अब हमारे पास दो कंज्यूमर है जिसके अंदर हमने ग्रुप डिफाइन नहीं किए, और एक कंज्यूमर है जिसके अंदर हमने एक ग्रुप डिफाइन किया। अब हम आ जाते हैं दोबारा से कर अपने ग्रुप वाले टर्मिनल पे, सबको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद ग्रुप की लिस्ट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास दो कंज्यूमर आए जिसको बाय डिफॉल्ट काफका ने क्या किया, ग्रुप असाइन कर दिया। बाय डिफॉल्ट एक यूनिक नाम दे दिया कि भाई इनका ताल्लुक इस ग्रुप से है, क्योंकि हमने जब कंज्यूमर बनाया था उसको हमने ग्रुप नहीं दिया, और एक कंज्यूमर जो हमने बनाया था जिसको हमने ग्रुप दिया था या उसके अंदर हमने ग्रुप डिफाइन किया था वो काफका ने हमें बनाकर दे दिया, और इसके अंदर एक कंज्यूमर मौजूद है। तो यहाँ पे मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि काफका जो है ना मैसेज सेंड करता है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को, और उस ग्रुप के अंदर जितने भी कंज्यूमर होंगे वो डायरेक्ट उनको मैसेज रिसीव हो जाएंगे, और काफका कभी भी डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को मैसेज नहीं करता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।